आज मैं आपको चाय पिलाऊंगा, भट्टी वाली चाय, क्योंकि आपको चाय बहुत अच्छी लगती है पीनी, और ख़ासकर चाय पर चर्चा आजकल आपको देखने को मिली भी रही है, पूरे देश भर में चाय के ऊपर चर्चा चल भी रही है, हालांकि अब वो चर्चा होती नहीं है। इसलिए हम आज आपको चाय पिलाने लेकर आए हैं वेयर हाउस में, जहाँ पर भट्टी वाली चाय बनती है, और यहाँ पर पकौड़े भी तले हुए हैं, और ये भाई साहब यहाँ पर पकौड़े तलते हैं और डिसेबल्ड भी हैं। भाई साहब आपका नाम? राजकुमार। तो आप पकौड़े तलते हो यहाँ पर? हाँ जी। चाय भी क्या क्या बनाते हो? पकौड़े है, गोभी वाले, आलू वाले, प्याज वाले, पनीर दे है, गुलगुले है, समोसे, टिक्की है। मैं रोज़ यहाँ से आता हूँ, काफ़ी रश देखने को मिलता है यहाँ पर। हाँ जी। ये इतना क्या स्वाद है यहाँ पर? सर स्वाद है कोयले आग पे जो पकोड़े बनते हैं उसके स्वाद कुछ और। अच्छा, तो ये भाई साहब भी यहाँ पर बहुत अच्छे पकोड़े बनाते हैं जी। A1 पकोड़े हैं और पूरे ब्योर उसमें सबसे अच्छे यही है। हाँ जी, तभी इतना रश है यहाँ। हाँ, सबसे अच्छी दुकान है जी। हमारे भाई थे बनारसी जी, वो गुजर गए हैं, अब उनके बेटे हैं जी, और बेचारा एक थोड़ा ऐसे ही है, तो वो बेचारा आप डेली आते हो? हाँ, इधर बेचारा का थोड़ा बहुत काम ही है, गरीब खाना ही है हमारा। आपके बाजू को प्रॉब्लम है कुछ? एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था बड़ी ब्राह्मणा में, तब से आप उसके बाद यहाँ ही काम कर रहे हो? बाकी ये दुकान बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे साफ सुथरा, कोई ऐसा गंदगी वाला कोई चीज नहीं है। जो बेचारे बनाते हैं, गरीब आदमी है बेचारे, रोटी रोटी कमा रहे हैं। ठीक है, बस। कब से दुकान ये? 1954 है। 1954 से लेके यहाँ पर चूल्हे की दुकान अभी भी चल रही है, और यहाँ पर रश जो हमेशा देखने को मिलता है, और आज भी हम देख पा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज। तो आप डेली यहाँ पर चाय पीने? हाँ सर, मैं ऑटो का काम करता हूँ, कभी कभार यहाँ से आना जाना आता है, तो स्पेशली यहाँ पे 5 मिनट खड़े होकर भैया से चाय पीते हैं, तो बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं, पकौड़े हैं, भट्टी के पकौड़े बनाते हैं, भट्टी की चाय बनाते हैं डेली जी। तो कभी आपकी सेहत में कभी कोई कुछ गड़बड़ी हुई? नहीं सर, बहुत अच्छे साफ सुथरी चीज़ मिलती है यहाँ पे, ये भैया भी अपने हैं। अच्छा। तो कभी कभार जब भी यहाँ से आना जाना होता है तो स्पेशली यहाँ पे खड़े होकर चाय पीते हैं। ऐसा होता है कभी आप बाहर का खाना खाओ तो आपके पेट में गड़बड़ी जाती है कुछ? नहीं भैया, वो दूसरी होती है, ये जो भट्टी वाले पकौड़े हैं इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका कोई पेट खराब नहीं होगा, ये बहुत अच्छी है। गैस वाले पकौड़े में और भट्टी वाले में कोई डिफरेंस लगता है? जी सर, गैस वालों का टेस्ट भी अलग होता है और वो पेट में भी प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा। ये जो पकोड़े हैं ये आपके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे और आपको डाइजेस्टिव भी होंगे अच्छे से। तो ये भाई साहब कुछ और कहना चाहते हैं? आप भाई हैं बड़े थोड़े बोल नहीं सकते। इनकी तरफ से मैं बोलूँगा, इन्हें बेचारे ने बहुत दुख देखा है, एक गरीबी में बेचारे पले हैं, जब उनका डैडी डेथ हो गई है, अब बेचारे पकौड़े छोड़े हुए। दोनों भाई काम करते हैं? ये दोनों भाई हैं। हाँ, बनारसी जी उनका नाम था। अच्छा। उन्होंने ये रेड़ी चलाई थी। अच्छा। तब से आज से 80 साल, मतलब के पता है 90 से 80 से चला रहे हैं ये रेड़ी। रश तो यहाँ पर देख रहा हूँ काफी ज्यादा रहता है लोगों का। क्या निकाह ये निकाह बचा होता था हमारा। अच्छा, तो आपका नाम? मेरा नाम साहिल कुमार। आप भी डेली आते हो? कई बार कभी कभी। तो टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट अच्छा है। टेस्ट है, कोई डिफरेंस लगता आपको कहीं और में यहाँ पे? अच्छा है, बढ़िया है ना, कोई पेट में कुछ गड़बड़ी कुछ नहीं, क्योंकि डिफरेंस लगता है बाहर की चीज़ों जगह पर। हाँ, बहुत। तो नीतीश सर, मैं आप टेस्ट करूँगा खुद पर्सनल, क्योंकि अक्सर मैं बाहर की चीज़ें खाता नहीं हूँ, लेकिन हल्का सा टेस्ट जरूर करूँगा कि टेस्ट वैसा है या नहीं है। स्वाद की बात करूँ मैं तो, जैसे भद्रवा में हमारे वहाँ के मेले लगते हैं, मेले गाँव में, तो लगभग स्वाद वही है जो पहाड़ों में आप किसी धार पर चढ़ते हो, तो वही स्वाद मुझे यहाँ पर खाने को मिला। हालांकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जो टेस्ट मुझे लग रहा है वही टेस्ट आपको बता रहा हूँ, और सच कहूँगा टेस्ट काफ़ी अच्छा है, जो पहाड़ों में आपको टेस्ट खाने को मिलता है वही टेस्ट आपको वेयर हाउस में यहाँ पर खाने को मिलेगा।